प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो हमारे दो पड़ोसी देशों को तकलीफ कुछ ज्यादा हो जाती है। आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन से पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं। ये पड़ोसी देश है पाकिस्तान और चीन। अब तक आप ये भी जान गए होंगे कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही होंगी। भारत के ये दोनों पड़ोसी चीन और पाकिस्तान भारत के बढ़ते कदमों से अब बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी बदहाली भूलकर भारत को नसीहत दे रहा है, तो कुछ ऐसा की हाल चीन का भी है। देखिए, पाकिस्तान की आवाम को परेशान करने वाले आतंकिस्तान के हुक्मरान की नींद अब हराम होने वाली है। अपने दुख से गम भारत के सुख से ज्यादा दुखी पाकिस्तान का अपमान अब दोगुना होने वाला है। आतंकी सरजमी वाले देश के दोस्ती वाले भेष के अब कुछ दिन शेष बचे हैं, क्योंकि अमेरिका की धरती पर भारत से गया बाइडेन का खास दोस्त अब पाकिस्तान के होश उड़ाने वाला है। बात उस शख्स की जिसे दुनिया मोदी मोदी की गूंज के बीच उम्मीद के साथ देखती है। बात दुनिया के उस राजनेता की है जिसके बयान से महान देश भी उत्सुक हो जाते हैं। नाम पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि नाम है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, ये है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये है दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये संयोग यूं ही नहीं बना, ये संगम दो राष्ट्र की कमिटमेंट का हिट उदाहरण है। लेकिन इस हिट जोड़ी से दोनों देशों के बीच के रिश्तों का भी जो फिट फॉर्मूला है वो कई देशों के समीकरण को बिगाड़ सकता है। चीन के सहारे अपनी आर्थिक हालत को सुधारने के सपने देखने वाले पाकिस्तान की नींद इन तस्वीरों ने उड़ा दी है। दो ऐसे देश जो खुलकर अपनी दोस्ती का इजहार पूरी दुनिया में कर रहे हैं। पीएम मोदी के लिए व्हाइट हाउस में रखे गए डिनर ने भुखमरी की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान के शैतान दिमाग को खाली कर दिया है। पाकिस्तान के साथ मित्रता की पवित्रता का ढोंग रचने वाले चीन की रणनीति भी पाकिस्तान की आर्थिकी की तरह फेल साबित हो रही है। आतंकी देश के आतंकी को ब्लैकलिस्ट होने से बचाने वाले चीन के कारनामे तो पहले भी जगजाहिर हो चुके हैं। यूएन में हुए उन नापाक इरादों पर पाकिस्तान को किए गए वायदे पर चीन खरा तो उतरा, लेकिन इसके बदले चीन पाकिस्तान की सरजमी का सौदा कर रहा है। अब इन दो चेहरों की खुशी पाकिस्तान को क्यों नहीं सही जा रही, आइए कुछ जानकारी के साथ ये रही सही कसर भी निकाल देते हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट कैसे दिखाई दे रही है, आइए जानते हैं। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के इंटरव्यू के हवाले से लिखा है, भारत और अमेरिका अपने संबंध बेहतर कर रही हैं, उससे पाकिस्तान को कोई समस्या नहीं है, बशर्ते कि ये पाकिस्तान की कीमत पर ना हो। भारत और अमेरिका के बीच संभावित रक्षा डील को लेकर पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने कह दिया, रक्षा साझेदारी से साउथ एशिया में अस्थिरता बढ़ेगी और हथियार जुटाने की होड़ भी बढ़ेगी। कराची विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के पूर्व डीन डॉक्टर मुनीस अहमद ने पाकिस्तानी मीडिया द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा है, भारत में आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपनी वैश्विक साख को मजबूत करके तीसरी बार सत्ता में आने की पूरी कोशिश है। भारत अब एससीओ और G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है, ये सारी बातें नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान का प्रतीक है। पीएम के दौरे को लेकर पाकिस्तान टुडे ने वेबसाइट में आगे ये भी लिखा, साल 2020 में चीनी सेना की साथ झड़प के बाद से ही भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर रहा है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान भी साथ हैं। क्वाड संगठन के तहत ये सभी देश हिंद प्रशांत महासागर में साथ में मिलकर सैन्य अभ्यास करते रहते हैं। बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है, ये हम नहीं, ये तो पाकिस्तान खुद बयां कर रहा है। अपने देश में भारत की बात करते करते कर्जदार पाकिस्तान चीन की चिंता में डूबा है। अपने देश की माली हालत का ख्याल भूलकर पाकिस्तान भूखे पेट चीन के भजन कर रहा है। अब इतने बड़े नेता मिलेंगे तो हलचल तो बढ़ना लाजमी है। अब तक दुआ ही की जानी चाहिए कि ये हलचल आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान में भूकंप ना ले आए। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।